हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा, कैसे हल होगा, आज के इस वीडियो में ही सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या कर रहा है दोस्तों, एक्स बाई पाँच बराबर छः को हल कीजिए। मतलब इस प्रकार का प्रश्न होगा तो कैसे हल करिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हल नंबर पहला, ठीक है, फर्स्ट नंबर, तो जो दिया उसे लिखेंगे, दिया एक्स बटा के फाइव बराबर छ। तो दोस्तों ध्यान से देखेगा, इधर इसका क्या है, भाग है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। इधर भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, यानी लिखेंगे इंप्लाइज दैट एक्स बराबर छ गुणते कितना, पांच, क्योंकि दोस्तों भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक्स बराबर क्या होगा, छ पांचे तीस, तो इसका आंसर आएगा कितना दोस्तों, 30 आएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसे नोट कर सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। समझ में आ रही बात ना। अब देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा आपको इसे लगाना, ठीक। अब दूसरे को हल करते हैं, तो हल नंबर कौन सा लगाते हैं दोस्तों, दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक्स बाई तीन प्लस पाँच बराबर सात को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब यहाँ पर बोला है कि हल कीजिए, मतलब एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे हल होगा, देखिए ध्यान से, एक्स बटा में थ्री प्लस पाँच बराबर क्या होगा, सेवन। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्लस है, बराबर को उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर ये माइनस होगा बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो इसे आप लिखेंगे क्या, एक्स बटा में थ्री बराबर सात, आपको लिख लेना, सात आपके लिख लेना है, प्लस पाँच उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे बराबर को उधर, ये माइनस पाँच होगा, और सात में से पाँच घटेगा दोस्तों कितना होगा, एक्स बटा में थ्री बराबर क्या होगा, टू आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये तीन का भाग है, जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पाँच का भाग था तो गुणा हो गया, उसी तरह तीन का भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे आप एक्स बराबर कितना, दो गुणते थ्री, मतलब ये तीन का भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो एक्स बराबर दो गुणते थ्री। अब दो में तीन का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो एक्स बराबर क्या होगा, छः, यानी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर छः आ जाएगा आंसर। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा आपको ऐसे ही हल कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपके ना, नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर तीन, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स बाई चार माइनस दो बाई तीन बराबर एक बाई तीन को हल कीजिए। मतलब हल करने के लिए कह रहा है, तो हल करने का मतलब यहाँ पर कि यह एक्स का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे हल होगा, सबसे पहले यहाँ पर नंबर डाल देते हैं तीन, नंबर डाल देते हैं कौन सा, तीन, ठीक है। लिखेंगे एक्स बटा में चार, अब माइनस दो बटा कितना, थ्री, अब बराबर क्या, एक बटा के थ्री। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, एक्स बटा चार माइनस दो बटा तीन बराबर एक बटा के तीन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं माइनस दो बटा तीन है, उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स बटा में कितना, चार बराबर, इसे पहले आप रखिए, पहले इसे उतार लीजिए, ये माइनस दो बटा तीन उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस दो बटा क्या हो जाएगा, तीन। अब दोस्तों देखिएगा, इसका हर क्या है, तीन, इसका भी हर तीन है, मतलब हर क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो ये अंश क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, यानी लिखेंगे दोस्तों एक्स बटा में चार बराबर एक अधन दो, मतलब एक अधन दो अब बटा में क्या होगा दोस्तों, तीन होगा, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स बटा में चार दो एक कितना होगा दोस्तों, तीन, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन। समझ में आ रही बात, अब तीन बटा तीन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स बटा के चार बराबर क्या होगा दोस्तों, एक बचा। अब यहाँ पर दोस्तों चार का भाग है तो इधर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, यानी इसे आप लिखेंगे क्या, यक्स बराबर एक गुणते चार, ठीक है, या यक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, एक चार के चार, मतलब आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका, यक्स बराबर क्या होगा, चार, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा आपको ऐसे ही हल कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।